सबसे पहले हमें दो तीन चीजें समझनी होगी उसमें से एक ये है कि जो आपका ब्लड होता है राइट right? ब्लड आपके दो कंपोनेंट से बना होता है अब ये जो दो कंपोनेंट्स है इनको हम कुछ इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं एक हो गया आपका प्लाज्मा और एक जो होते हैं उनको हम कहते हैं फॉर्मड एलिमेंट्स राइट या फिर उन्हीं को हम कई बार सेल्युलर एलिमेंट्स भी कहते हैं Formed या फिर cellular. क्योंकि ये आपके आपके होते हैं जो आपके blood में प्लाज्मा ऑलमोस्ट 55 टू 60 परसेंट होता है, है, है आपके ब्लड का और जो आपके फॉर्मड एलिमेंट्स होते हैं वो आपका 40 टू 45 परसेंट होता है अब इसमें मेजरली अगर हम बात करें तो दोनों ही कंपोनेंट्स में से एक एक चीजें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको ब्लड की रोकथाम करनी है यानी क्लॉटिंग करवानी है कई बार होता है चोट लगती है खून बहने लगता है तो उसको अगर रोकना है तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ हम प्लाज्मा से लेंगे और थोड़ा सा हम सेल्युलर एलिमेंट्स से लेंगे सेल्युलर एलिमेंट्स क्योंकि बहुत सिंपल होते हैं पहले इनको देख लेते हैं पहले हो गए आपके आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स जहां पे आपके सिर्फ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वाली चीज आपको याद रखनी है एरिथ्रोसाइट्स नेक्स्ट डब्ल्यू डिफेंस मेजरली डिफेंस राइट और लास्टली आपके होते हैं प्लेटलेट्स जिनको हम दूसरा नाम जो है थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं किस नाम से जानते हैं थ्रोम्बो के नाम से सो so ये आपके सेलुलर एलिमेंट्स है यानी कि ये आपके सेल फॉर्म में आपको ब्लड में दिखेंगे अब क्योंकि ब्लड बहता है तो जो लिक्विड पार्ट है वो है आपका यहाँ पे जो प्लाज्मा है ये हमने कहा 55 फाइव टू सिक्सटी परसेंट है आपके ब्लड का प्लाज्मा में अगर मैं वाटर की बात करूं तो 90 टू 92 टू परसेंट आपका वॉटर होता है इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स होते हैं कुछ होते हैं हार्मोन्स ट्रेसेस होंगे हालांकि क्योंकि बहुत ट्रेस अमाउंट में चाहिए होते हैं तो आपको हार्मोन्स के यहाँ पे ट्रेसेस ही मिलेंगे बहुत कम अमाउंट में कुछ आपके सॉल्ट होंगे सो इन जनरल अलॉट ऑफ थिंग्स न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे क्योंकि कैरी हो रहा है ग्लूकोज आपको मिल जाएगा यहाँ पे राइट right? ये हो गया प्लाज्मा का कंपोजिशन एक मेजर चीज जो आपको यहां याद रखनी है वो है फिब्रिनोजन ठीक है Fibrinogen है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के थ्रू हम क्लॉटिंग करेंगे तो चलिए देखते हैं होती कैसे. अब कि आपकी जो, हुई है, है? जो भी आपकी इंजरी हुई है कोई कैपिलरी पे या ये कि फॉर एग्जांपल आपकी कैपिलरी है और यहां पे आपको चोट लग गई तो जैसे ही चोट लगेगी यहां से खून जो है आपका बाहर की तरफ बहना शुरू हो जाएगा है ना लेकिन होता क्या है कि हमारी बॉडी क्योंकि बहुत स्मार्ट होती है तो उसको पता है कि अगर खून बहता रहा तो हमें बहुत उसका नुकसान झेलना पड़ेगा तो हमारे पास ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो इसके लिए तुरंत रोकथाम की कोशिश करना शुरू कर देते हैं उनमें सबसे पहली चीज होती है जो आपको याद रखनी है वो है प्लेटलेट्स जो आपकी प्लेटलेट्स है ठीक है जैसे ही किसी भी साइट पे इंजरी होगी आपको चोट लगेगी प्लेटलेट तुरंत आपके होंगे, तुरंत ही ये क्या करेंगे, टूटेंगे राइट? ये होंगे, और जब ये डिसइंटीग्रेट होंगे ये एक ऐसा सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे लिए आगे बहुत हेल्पफुल है अच्छा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में कई सारी चीजें होंगी जो अपनी पिछली चीज पे निर्भर करेगी यहां पे अब जो मैं सब्सटेंस का नाम लिखूंगी उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोकाइनेज इसी को हम थ्रोम्बो प्लास्टिन भी कहते हैं ठीक है इसी को हम स्टुअर्ट फैक्टर भी कहते हैं क्योंकि जो पहला पेशेंट था जिसने ये पता चला था कि ऐसा एक फैक्टर होता है उसका नाम स्टूअ था और इसको कभी कभी फैक्टर एट भी कहते हैं हालांकि कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो हीमोफीलिया जैसे हीमोफीलिया मतलब कि आप आ, कि जो इंजरी है उसकी जो प्रॉपर्टी है क्लॉटिंग की वो नहीं हो पा रही है तो जो डिजीज होती है उसको हम हीमोफीलिया कहते हैं तो फैक्टर एट जो होता है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है हीमोफीलिया ना होने के लिए मैं यहाँ लिख देती हूँ हीमोफीलिया ये जो हीमोफीलिया होता है आपका ये जेनेटिक होता है दिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर राइट अब हुआ क्या थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हो गई है अब क्या होगा यहाँ पे हमको प्लाज्मा वाला कंपोनेंट थोड़ा देखना है प्लाज्मा में मैंने आपसे कहा था कुछ आपके प्रोटीन से इसी में आपके आप ये कह सकते हो कि कुछ प्रिकर्सर्स भी हैं प्रिकर्सर का मतलब क्या होता है कि कोई जो एक्टिव सब्सटेंस है उससे पहले वाला सब्सटेंस जो पहले वाला सब्सटेंस है जो कन्वर्ट होके कुछ और बनेगा तो यहाँ पे प्लाज्मा में एक चीज होती है जिसको हम नाम देंगे प्रोथ्रोम्बिन क्या कहेंगे प्रो थ्रोम्बिन प्रो मतलब पहले ऑब्वियसली प्री राइट तो जो प्रोथ्रोम्बिन है आपका ये कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि ये इनएक्टिव होता है ही बात है इनएक्टिव है और कहाँ प्रेजेंट है आपके प्लाज्मा के अंदर है ये जो थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज हुई है थ्रोम्बोप्लास्टिन जिसको हमने कहा है ये जब इसके ऊपर एक्ट करेगी तो हमको मिलती है थ्रोम्बिन क्या मिलेगा थ्रोम्बिन मिलेगा हमको ठीक है ये थ्रोम्बिन अब नेक्स्ट स्टेप में यूज होगी जैसे यहां, पे रिलीज थी, तो हमने यहां किया अब ये थ्रोम्बिन जो है ये हम अगली स्टेप में यूज करेंगे अगली स्टेप जो है उसके लिए जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है प्लाज्मा में ही अगेन आपका फिब्रिनोजेन है ठीक है फिब्रनोजन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये जो होता है आपका कहीं ना कहीं ये होता है सॉल्युबल यानी ये कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाता जिससे आपका खून जो है वो चलना फिरना रुक जाए ये सोल्यूबल है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता बट जब थ्रोम्बिन इसके ऊपर एक्ट करेगा जब ये थ्रोम्बिन इसके ऊपर एक्ट करेगा तब यहां पे मुझे मिलेगा फाइब्रिन जो कि आपका इनसॉल्युबल है राइट right? और ये आपका कहीं ना कहीं एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा मैश लाइक मैश मतलब छन्नी इस तरीके से जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो खून निकल रहा था ये यह यहाँ पे इस तरीके से मेश लाइक स्ट्रक्चर बना देगा तो जो आपका ब्लड बहने की कोशिश करेगा वो ट्रैप हो जाएगा जैसे छन्नी होती है हमारी तो आपके सेल्युलर एलिमेंट्स नहीं निकल पाएंगे थोड़ा बहुत सिरम जो है यानी कि लिक्विड पार्ट वो बाहर आएगा बट आपका मेजर कंपोनेंट जो है वो अंदर सील हो जाएगा और अब वो बाहर नहीं आएगा तो ये जो आपका फाइब्रिन है क्योंकि ये थ्रेड लाइक्स होते हैं ये थ्रेड लाइक -like होता है तो आपका कही कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर बन गया अब ब्लड जो है वो क्लॉटिंग क्लॉटिंग का मतलब क्या है रुकना थमना वो हो जाएगा तो ये जो बनाएगा इस चीज को हम कहेंगे क्लॉट या फिर कई बार इसको स्कम भी कहा जाता है आपने देखा होगा आपको अगर चोट लगती है तो उसके ऊपर एक पपड़ी जैसी आ जाती है सो क्लॉट और स्कम ठीक है इसीलिए क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कहते हैं हम राइट एक चीज जो यहां पे याद रखनी है वो है आपका विटामिन के विटामिन के और कैल्शियम ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके बिना क्लॉटिंग नहीं होगी ये जो आपका रिएक्शन है इसमें आपके विटामिन के और कैल्शियम के बिना कोएगुलेशन नहीं हो पाएगा सो अगर कभी क्वेश्चन आया कि कौन सा विटामिन होता है तो होता है विटामिन के विटामिन के से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट बात हम यही देख लेते हैं दैट इट इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन राइट तो ये आपकी बॉडी में रहेगा बी एन सी की तरह वाटर सॉल्युबल नहीं है तो निकल नहीं जाएगा इट विल स्टे इन योर बॉडी फटाफट एक बार फिर से इंजरी हुई है

Fibrin में कन्वर्ट हुआ जो -like रिलेटेड so, या किसी और टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है प्लीज हमें कमेंट करके बताइए ताकि हम उसको दूर करने में हेल्प करें मैं आपके वी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक लेके आऊंगी बट अगर आप चाहते हैं कि वो हो तो प्लीज कमेंट करिए साथ ही सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो प्रेस द बेल आईकन सो दट आई कैन नो कि भाई वीडियो चल रहे हैं अच्छे लग रहे हैं लोगों को आई एल सी यू चिल्ड्रेन कीप रीडिंग बहुत जरूरी है एनसीआर टी पढ़ते रहिए थैंक यू टेक केयर